नमस्कार प्यारे दर्शकों, सुहाना सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है स्वागत है। हम देखते हैं इस संसार में सभी एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं, और ये भी देखते हैं इस प्रयास में उनकी जो मूलभूत चीजें हैं जैसे खुशी, शांति, प्यार, आनंद, ये पीछे छूट जाता है। इस सफर में ये सब भी बहुत आवश्यक है। ये हमारे साथ कैसे चले, इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो उपस्थित हैं ब्रह्मा कुमार सूरी भाई जी, गीता बहन जी और विशेष अतिथि के रूप में शर्मिष्ठा बहन। आइए, आप तीनों का स्वागत है। भाई जी, जैसे हम इस सफर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और कई बार हम ये सफर में देखते हैं कि कुछ चीजें हमारे जीवन में जो पुरानी बातें हैं, जैसे हम पिछले एपिसोड में भी चर्चा किए थे कि पकड़ कर रखने की आदत, और वो आदत से मनुष्य इतने परेशान हो जाते हैं, खुद भी परेशान रहते हैं, दूसरे भी परेशान रहते हैं, छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन छूट नहीं पाता। आखिर कैसे इससे मुक्त हो? रोहित भाई, आप ठीक कह रहे हैं जी। लोग आगे बढ़ तो रहे हैं जी जी जी, नो डाउट, बहुत फील्ड में, बहुत सारे एरियाज में बहुत सारे लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम उनकी शुक्रिया भी मानते हैं, उन्हें बधाई भी देते हैं। चाहे हमारे वैज्ञानिक बहुत आगे बढ़ रहे हैं, डिफेंस में काम करने वाले वैज्ञानिक बहुत अच्छी अच्छी, मैं कहूँगा गिफ्ट हमारी मिलिट्री को दे रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ों में इकोनॉमिकली भी हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। विज्ञान ने भी हमें बहुत सारे सुखों के साधन आज घर घर में पहुंचा दिए हैं जी। मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि एजुकेशन के फील्ड में भी भारत अब बहुत अग्रणी है जी। यद्यपि कुछ लोग अभी भी बिना पढ़े लिखे हैं गांव में, लेकिन उस सब को यदि हम छोड़ दें तो एजुकेशन के फील्ड में हम किसी से पीछे नहीं हैं, तो हर तरह से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी बहनें, माताएं, कन्याएं विशेष रूप से हाईली एजुकेटेड हो रही हैं, बल्कि पुरुषों को, लड़कों को पीछे छोड़ रही हैं। घर घर में सुखों के साधन आ गए। हमें याद है माताएं पहले बाहर से पानी लाया करती थी, तीन तीन मटके सिर पे रख के, हम लोग उदाहरण दिया करते थे कि देखो बात भी करती जा रही हैं, बगल में लड़का भी है और तीन घड़ों का बैलेंस भी किया हुआ है। बहुत विकास किया है हम सब ने, देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है, पर कुछ चीजें सचमुच बहुत पीछे छूट गई हैं। उसमें मैं एक शब्द बोलूं तो मानवता पीछे छूट रही है, सच्चा धर्म पीछे छूट रहा है, सच्ची भक्ति भी पीछे छूट रही है, खुशी, शांति, प्रेम, अपनापन थोड़े पीछे छूटते जाते हैं। अपने होल्डिंग नेचर की बात पुनः की है, तो संबंध जहां बहुत अच्छे, भारत की ये एक महान कल्चर है, मैं विदेशों में जाकर भी इसकी हमेशा प्रशंसा करता हूँ कि हमारा देश परिवारों में बंधा हुआ है। बहुत थोड़े देश आज रह गए हैं संसार में जहाँ पारिवारिक सुख है, लेकिन हमारे देश में वो अभी कायम है। बस अभी हमें कुछ चीजों को संभालना है। पिछली बार भी हमने एक चीज की चर्चा की थी कि पति पत्नी में बहुत प्यार है, और कभी कभी वो अति प्यार में उनको अपने पूर्व की काल की कुछ बातें सुना देते हैं, और दूसरा व्यक्ति उन्हें होल्ड करके रख लेता है, या बहू देखती है कि मेरी सास ऐसा ऐसा करती है, उसके अवगुणों को वो होल्ड कर लेती है, या सास देखती है मेरी बहू है तो बहुत होशियार, लेकिन इसमें ये एक कमजोरी है बस, तो भले उसमें 10 गुण हैं लेकिन उसने उसकी एक कमजोरी को पकड़ के रख लिया। अब उससे दृष्टिकोण बदल जाता है, उससे फिर व्यवहार बदल जाता है, और कहीं ना कहीं वो उनके वाणी से भी प्रकट होने लगता है, और स्वाभाविक रूप से ध्यान जाता है भाई जी। जैसे अब हम कपड़े पहने और मान लो ये छोटा सा दाग लगा है तो कपड़े के ऊपर ध्यान कम लेकिन उस दाग के ऊपर ज्यादा जाता है। अब हमें इसमें थोड़ा परिवर्तन करना है। मैं स्पिरिचुअली सब अपने भाई बहनों को कहना चाहूंगा, संसार के हर प्राणी को कहना चाहूंगा कि किसी व्यक्ति में अगर 2 बुराइयां हैं तो 10 अच्छाइयां होती हैं। कभी कभी क्या होता है, बुराइयों का प्रकोप थोड़ा ज्यादा होता है तो सारी अच्छाई दब
दब जाती हैं और लुप्त हो जाती हैं। तो हम एक दूसरे के गुणों पे ध्यान दें और उनको थोड़ा अप्रिशिएट करें ताकि वो अवगुणों को रियलाइज करके उन्हें भी निकालने की कोशिश करें, या हमारे मन में इतनी सुभावना हो कि हम सुभावना से अति प्यार से उन्हें कहें तुम में हजार गुण है, बस ये एक चीज ठीक कर लो तो तुम तो हीरे समान हो। लेकिन यही तो नहीं होता भाई जी, लोग गुण के बारे में कम बात करते हैं, उनके अवगुण के बारे में ज्यादा बात। तो इस मेंटेलिटी को हमें बदलना पड़ेगा। तो जो पीछे वाली चीजें हैं जो हमने होल्ड की हैं, अब हम उनको लेकर न जिए। जैसे कहा कि मनुष्य बहुत आगे बढ़ रहा है, तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमारे पास आ रही हैं, उनको जीवन में अपना ले रहे, एंजॉय करें। जी 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 जी, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि होल्डिंग नेचर के ऊपर, पकड़ कर रखने की आदत, तो जैसे भाई जी ने भी बताया कि इसको कैसे मुक्त हो जाए इससे। सबसे ज्यादा इस पे इफेक्ट होता है, इनर पीस खत्म हो जाती है, और जब हमारी अंदर की शांति ही खत्म हो जाती है तो हमें कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों में टेंशन होनी शुरू हो जाती है। और बात को पकड़ के रखना ये तो बुद्धिमता भी नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रही हूँ, ये मेरे हाथ में ग्लास है और इसमें आधा पानी है जी। कितना वेट होगा इसका? ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा 200 ग्राम। जी जी, 200 ग्राम वेट है, बहुत ही मिनिमम वेट है इसका। मैं आपको ये बोलूं कि ये गिलास आप एक घंटे तक पकड़ के रखिए एक ही पोज में, पकड़ पाएंगे? नहीं, दर्द हो जाएगा, हाथ दर्द हो जाएगा। अगर बोलू 4 घंटे तो और ज्यादा होगा। हम 200 ग्राम वेट को एक घंटे तक अपने इस मजबूत हाथ में नहीं पकड़ सकते। हमने बहुत सारी बातों का बोझ अपने मन पर रख लिया है जी। और 2400 घंटे रखे हुए हैं, लंबा समय से रखे हुए हैं, तो सोचिए मेरे मन की क्या हालत होगी। क्या मेरा मन सुन नहीं हो रहा होगा? क्या मेरा मन पैरालाइज जैसी कंडीशन में नहीं पहुंच गया? क्या मेरे मन को पेन नहीं हो रहा होगा? तो वही पेन जो है एक्टिविटी में बाहर आता है। बातों को पकड़ने से कोई फायदा नहीं। मान लीजिए अब मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये ग्लास आधा भरा हुआ नजर आ रहा है, और प्रॉब्लम ये है कि मुझे इसे पूरा भरना है, तो ये तो बुद्धिमता नहीं है कि मैं इसे हाथ में पकड़कर बैठकर और सोचूं कि ये पूरा कैसे भरेगा। जी जी जी, कहां से जल लाऊं, कैसे लाऊं कि ये पूरा भर जाए। पहली बात तो नजरिए भी दो होते हैं, आपको ये गिलास कैसा दिखाई दे रहा, कितना भरा हुआ है, आधा भरा हुआ या खाली दिखाई दे रहा है? आधा खाली। देखिए, दो नजरिए इसमें हो सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे आधा खाली है, कुछ लोग कहेंगे आधा भरा है। जिन्हें ये खाली दिखाई दे रहा है उनके इधर खालीपन है, और उनके चारों ही तरफ खालीपन कहीं ना कहीं रहता है, चाहे वो इंसान है, वस्तु है, व्यक्ति, चाहे वो घर है, ऑफिस है, कहीं ना कहीं उनको खालीपन दिखाई देगा ही। और जिन्हें ये भरा हुआ दिखाई दे रहा है, जिनका नजरिया पॉजिटिव है, ये भरा हुआ आधा नजर आ रहा है, उनके यहाँ संतोष धन है, भरपूरता है। तो जिन्हें यहाँ भरपूरता दिखाई दे रही है और यहाँ भी भरपूरता है, तो चारों तरफ उनके यहाँ भरपाई हो रही है। जी जी जी, ये बहुत सुंदर एक सिद्धांत है। एक तो हम अपने नजरिए को बदले, दूसरी बात कि यहाँ लंबा समय कोई भी बोझ ना ले। इस गिलास को मुझे भरना है, हाथ में लेकर बैठकर पकड़कर सोचती रहूं घंटों तक कैसे भरेगा। इससे बेटर तो यह है कि इसे अपने से डिटैच करूं, उसे 6 फुट दूर रखूं, अपने को थोड़ा सा रिलैक्स रखूं, और फिर मैं सोचूं कि ये भरेगा कैसे। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई बात मेरे जीवन में है, मेरे मन में है, जो मेरे मन को भयभीत कर रही है, चिंतित कर रही है, या मेरे मन को क्रोध से भर रही है, ईर्ष्यालु बना रही है, थोड़ा सा उन बातों से अपने को डिटैच करना है, थोड़ा रिलैक्स होना है, और फिर फोकस करना है कि इन बातों से मैं कैसे निकल सकती हूँ, इनसे मुझे क्या क्या लॉस हो रही है। जब तक मुझे लॉस समझ में नहीं आएंगे, मेरे को और मेरे अपनों को, मेरे चारों तरफ इन बातों से क्या क्या लॉस हो रही है, तब तक मैं उनसे नहीं निकल सकती। इसके लिए सेल्फ रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर बात कही है किसी ने कि दूसरों को समझना एक ज्ञान हो सकता है, परंतु अपने को समझना बड़ी समझदारी है, बड़ी बुद्धिमानी है। दूसरों को कंट्रोल करना एक बल हो सकता है, अपने बड़े होने का बल, पद पोजीशन का बल, किसी भी प्रकार का, लेकिन खुद को कंट्रोल करना, खुद के मन को कंट्रोल करना, ये मेरी खुद की वास्तविक इनर पावर है जी, 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 जो होनी चाहिए हमारे पास।
तो बातों को यहाँ रखने से जब मेरे स्वास्थ्य पर, मेरे जीवन पर, मेरे संबंधों पर, मेरे कारोबार पर बहुत गलत असर हो रहा है, तो मैं नहीं समझती उन्हें पकड़ कर रखना जरूरी है। उन्हें आप अलग करके भी फोकस करें और उन्हें अपने से दूर करें, उनका पॉजिटिव पहलू ढूंढें। जी 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 भाई जी, मैं जानना चाहता हूँ, जैसे गीता बहन ने बताया कि अपन कोई चीज पकड़े हैं और अपने को वजन लग रहा है वो तो रख सकते हैं, ये तो आसान है, चलो हमको वजन लग रहा है रखते, लेकिन मन में जो बातें हैं, मन में जो भारीपन है या किसी की बात लंबे काल से हमारे मानस पटल पर अंकित है, वो कोई स्थूल तो दिखता नहीं है कि उसको निकाल कर हम रख दें, क्या ये संभव है कि उसको निकाला जा सकता है? देखिए, इसी के लिए स्पिरिचुअल पावर की, स्पिरिचुअल नॉलेज की जरूरत होती है, तो हम सुंदर चीजें बुद्धि में लाने लगे। जी, बहुत लोग हैं इस दुनिया में, हम देखते हैं कि वो अच्छी अच्छी चीजों पर चिंतन करते हैं, अच्छा साहित्य पढ़ते हैं, अच्छी कुछ चीजें देखते हैं, तो पुरानी चीजें धीरे धीरे विस्मृत होकर समाप्त हो जाती हैं। तो तरीका यही अपनाना चाहिए कि हमें सुंदर बातें, सुंदर विचार और सुंदर घटनाएं, प्यार भरी चीजें अपने अंदर प्रिंट करनी चाहिए। जी जी जी। आज हमारे बीच बीके शर्मिष्ठा बन उपस्थित हैं। आप विगत 14 वर्षों से ईश्वरी विश्वविद्यालय से नियमित विद्यार्थी हैं, जुड़े हुए हैं, आप राज्यों का अभ्यास करते हैं, आप अपने लौकिक जीवन में एमए, बीएड और एमबीए किए हुए हैं। आपसे हम विशेष अनुभव सुनेंगे। कई बार हम होल्डिंग नेचर जैसी चीज को पकड़ करके रखने की जो आदत होती है, आखिर वो बहुत नुकसान भी करता है। बहुत कई बार हम देखते हैं कि उससे हमारा जीवन का विकास रुक जाता है। आपको इस संबंध में कुछ विशेष अनुभव हो तो हमारे दर्शकों के लिए शेयर कीजिए। अभी जिस जगह पर हम लोग रहते हैं, बहुतों के साथ अच्छे संबंध हैं, और इन संबंधों में कई बार यही देखा जाता है कि वो छोटी सी बात एक अच्छी दोस्ती को भी तोड़ देता है। उन्होंने वो छोटी सी बात, वो मनमुटाव हुआ और उसका ये नतीजा हुआ कि जो बहुत लंबे समय से हमेशा उठना बैठना खाना पीना सब कुछ चल रहा था, एक साथ जाना चल रहा था, कार्य क्षेत्र पर एक थे, लेकिन वहां पर एक छोटी सी बात ही, एक मलाल जो रह गई, और वो मलाल इस पूरे सुंदर से रिश्ते को तोड़ दिया, बात करना बंद कर दिया। इवन जब आमने सामने होते हैं तो प्रैक्टिकली वो एक दूसरे को मुंह भी फेर लेते हैं। जी, 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 और ऐसे में यदि एक व्यक्ति पहल करे, जो मैं अनुभव कर रही हूँ और मैंने खुद भी देखा है और हम खुद भी अपनी जिंदगी में यही महसूस करते हैं कि यदि पहल किया जाए, आप छोटा बन के ही उस समय पहल कर दीजिए, तो ये जो रिश्ता दरार बन के टूट सकता है वो नहीं। अभी अभी हाल ही हाल कि मेरी बचपन की स्कूल की सहेली और उनके एक बच्चे की ऊपर से छत से गिरने की वजह से मौत हो गई। अच्छा अच्छा। और उस माँ के लिए ये बहुत ही टेरिफाइंग है। वो कहती है कि क्योंकि उसकी बच्ची 7:40 पे वो हादसा उसके जिंदगी में हुआ, रोजाना 7:40 उस समय उसके पूरे हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, वो करीबन फेंट हो जाती है। अच्छा। और उसके साथ एक एक हफ्ते में 2-3 ये हादसा हो गया, क्योंकि राजयोग का अच्छा अनुभव हमारे को भी है। तो यही चीज उस बहन को भी हमने यही सिखाया कि 6:30 to 7:30 जो पीस ऑफ माइंड में हमारा मेडिटेशन आता है, आप परिवार के साथ, हमारे ब्रह्मा कुमारीज में तो खास तौर पे नुमा शाम का योग करवाया जाता है, तो वो हमने उनको यही कहा कि इस समय आप इस चीज को देखकर करिए, तो आपको वो जो टाइम पीरियड आपका अच्छा मेडिटेशन का रहेगा वो आगे भी चलेगा, और धीरे धीरे जो आपने, आपको ये जो समय का डर बैठ गया है वो चला जाएगा। ना, टीवी के माध्यम से भी वो मेडिटेशन किया जा सकता है। बहुत अच्छा, क्योंकि ये अच्छा साधन वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ दिया और कहीं इंसान इसका गलत भी यूज कर रहा है, लेकिन हमारे पास तो एक बहुत अच्छा साधन है जो हमारे मन की शांति, सुख, चैन सब कुछ लौटा सकता है। ये बहुत सुंदर जानकारी आप दे रहे हैं कि कई बार हम सोचते हैं कि योग के लिए कोई अलग से स्थान में जाना पड़ेगा या कहीं हमें घर द्वार छोड़ करके जाना पड़ेगा, इसकी आवश्यकता नहीं है। आप परिवार में रह करके आप पीस ऑफ माइंड देखते हुए भी मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि अभी उसको मैं यदि क्लास तक जाने के लिए भी बोलूं तो भी शायद उसको ये संभव नहीं है, क्योंकि कुछ 20-21 पहले ही उसके साथ ये हादसा हुआ है। परिवार का कोई भी बाहर का रिश्तेदार आते हैं तो उसको वही दुख भरी घटनाओं को बार बार रिपीट करते हैं, तो वो कहती है लोग मुझे याद दिलाते हैं, मैं जितना भूलना चाहती हूँ, जो मैं उस समय से या अपने उस मानसिक स्थिति से आगे बढ़ना चाहती हूँ, हर
समय लोग आकर मुझे वो याद दिलाते हैं। जी, 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 तब अनुभव के साथ एक चीज यही कहा कि जिन पर आप, जिन भी देवी देवताओं पर, जिन पर भी आपको पूरा विश्वास है, आप उन्हें सामने मर्ज करें। उन्हें मर्ज करके वो रिश्तेदार जो कह रहा है वो सुन रहे हैं, आप नहीं सुन रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आपके दिल पर, आप रात को महसूस करेंगे कि वो आपके दिल पर है ही नहीं, उन्होंने जो बात कही वो खत्म, आपने तो सुनी नहीं, तो आपने उसको पकड़ के भी नहीं रखा जिंदगी में, वो आप उस जिंदगी के यात्रा में आगे भी आसान नहीं रहता कि कोई हमको सुना रहा हो और हम ना सुने, उसका प्रभाव ना पड़े हमारे जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये कठिन जरूर है, करना तो उन्हें पड़ेगा, हम तो सर सिखा सकते हैं। जी जी भाई जी, जैसे हमारी चर्चा हो रही कि कई बार हम बातों को भूल जाते हैं लेकिन दूसरे आकर याद दिलाते हैं, और जैसे उनका प्रभाव फिर अगर हमारे अंदर नहीं है तो वो सुनने के बाद वापस होना शुरू हो जाता है। देखिए ये ऐसा है कि हम सभी को ये बात कहना चाहेंगे कि जैसे ये चीजें बुरी तो हैं, सब समझते हैं और हम भी चाहते हैं वो बहन उस घटना को भूल जाए, नो डाउट उबर जाए, घटना तो बड़ी दुर्घटना है, तो दूसरों को भी इस बात में उसे मदद करना चाहिए, बार बार सुना के वो एक सहानुभूति जताते जरूर हैं, लेकिन ये सहानुभूति नहीं है तो जो भी सभी सभी के साथ कभी ना कभी कुछ घटना हो जाती है तो दूसरों को चाहिए कि उसको बार बार याद न दिलाएं। ये सहानुभूति दिखाने का एक प्रॉपर मार्ग नहीं है। बहुत ही अच्छी बात शर्मिष्ठा बहन ने भी बताई, मैं इसमें और चीज जोड़ दूं, जैसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात कही कि देवी देवताओं को सामने ले आया करो और वो सुन रहे हैं। जी जी जी। इसके लिए थोड़ा सा ऐसे व्यक्ति को जिसके साथ ये घटना हुई है कुछ चीजों को स्वीकार कर लेना चाहिए। एक तो भाई वो घटना हो गई जी। अब उस बच्ची की इतनी ही जीवन की कहानी इनके साथ थी, कर्मों का खाता इतना ही था, उसको पुनर्जन्म लेना था तो कोई ऐसी बात हो गई जिससे गिरकर उसकी मृत्यु हो गई, उस चीज को बार बार याद करके मुझे अपने जीवन को, अपने भविष्य को, अपने परिवार के माहौल को दुख भरा नहीं बनाना है, ऐसे एक सुंदर चिंतन रखना चाहिए। तो क्या होगा कि जब कोई दूसरा व्यक्ति कहेगा ना तो उसका मन उसको अंदर ही अंदर रिजेक्ट करेगा। जी जी जी। और ठीक है, अभी देवी देवता खड़े, चलो भाई सुन लो तुम ये क्या सुना रहे, तो जैसे वो उसमें रुचि नहीं लेगी तो सुनाने वालों का सुनाना भी कम होने लगेगा। जी। और ईश्वरीय ज्ञान तो इसमें बहुत मदद करता ही है। मैं बस इतना जोड़ूंगा सबके लिए कि जो चीज हमने यहाँ होल्ड करके रख ली है, हमारे डॉक्टर्स आजकल बहुत सिखाते हैं, जिसके अंदर होल्डिंग नेचर बहुत है, बीमारियां बढ़ती हैं और उनका शरीर उन बीमारियों को भी होल्ड करता है, और इसका कारण यही है कि हमारे हर विचार से एनर्जी वाइब्रेट आउट होती है। जी। अभी जो बुरा एक विचार कि हाय ये क्या हो गया मेरे साथ, मैंने क्या पाप किए थे, हे भगवान मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, जी, जी, जी। ये दुर्घटना ऐसा बुरा मेरे साथ हो गया, इसको तो मैं कभी भुला नहीं पाऊंगी। अभी ये विचार निगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, ये उसके ब्रेन में जा रहे हैं, ब्रेन पूरे देह को कंट्रोल करता है, देह पर उसका असर आ रहा है। हर समझदार व्यक्ति को अब ये सोचना चाहिए कोई भी बुरी बात यदि हम होल्ड करके रखते हैं तो उसकी बैड एनर्जी सदा सदा हमारे ब्रेन में पहुंचती रहती है और ये जीवन के लिए बहुत ही घातक है। इसलिए कुछ भी होल्ड करके न रखें, अच्छी बातों से उसे रिप्लेस कर दें, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके एक अच्छी बात ब्रेन में होल्ड कर लें ताकि ब्रेन को सदैव पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जैसे बहन ने बताया कि वो बच्ची छत से गिरी और चली गई, इसमें एक बात यह है कि आत्मा जो है वो तो अजर अमर अविनाशी है, विनाश देह का हुआ है, ये देह हमें प्रकृति के 5 तत्वों से मिला और एक दिन उसी में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा सदा है, वो आज भी है, वो कल भी थी, वो अभी भी है, उसका कभी विनाश नहीं होता। अब जो आत्मा मुझे छोड़ करके गई है, एक तो उसकी मृत्यु हो गई, वो भी छत से गिर के, वो भी नहीं चाहती थी कि मैं छत से गिरूं या मेरी इस तरह से मृत्यु हो या मैं अपने प्रियजनों से बिछड़ जाऊं, उस आत्मा को वो तकलीफ तो है क्योंकि आत्मा है, बॉडी केवल नष्ट हुई है, आत्मा है, वो रियलाइज कर रही है,
वो सोच रही है, उसे महसूस हो रहा है। दूसरा जो उसके प्रियजन हैं, जो वे दुखी होते हैं, रोते हैं, उसके उसको याद कर करके आंसू बहाते हैं, नेचुरल है, तो कोई भी प्रियजन होगा तो इतना तो होता ही है। लेकिन कहीं ना कहीं उस आत्मा को हम कष्ट दे रही हैं, तकलीफ दे रही हैं, वो हमारे दुख के वाइब्रेशन उस आत्मा को इतना दुखी कर देते हैं। इधर का कार्मिक अकाउंट तो खत्म हो गया, लेकिन जो दूसरा कार्मिक अकाउंट उनका बनने जा रहा है, वो आत्मा वहां तक नहीं पहुंच पाती। वो बीच में ही जैसे लटकी रहती है, भटकी रहती है, ना वो इधर आ सकती, इधर से उसका पूरा हो चुका है, और जहां शुरू होने वाला है ना वो उधर जा सकती। अब वो बीच में है, उधर के कार्मिक अकाउंट उसे उधर खींच रहे हैं, इधर के कार्मिक अकाउंट उसे इधर खींच रहे हैं, क्योंकि वे लगभग पूरे हो चुके हैं। लेकिन यादें जो हैं, और जो दुखी होकर के हम रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, वो उसे इधर खींच रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये बात सभी को समझनी चाहिए, आत्मा को बहुत तकलीफ होती है, उसे बहुत कष्ट होता है, क्योंकि वो हमसे जुड़ी है और हमारे मन की फ्रिक्वेंसी को वो निरंतर कैच कर रही है। जो आध्यात्मिक फैमिली होती है या जो धार्मिक लोग होते हैं, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो कुछ अच्छे सत्संग कराते हैं, कुछ अच्छे पाठ कराते हैं, ताकि घर में शांति बनी रहे और ये शांति के वाइब्रेशंस उस आत्मा तक पहुंचे, ताकि वो आत्मा भी शांत होकर के अपनी आगे की मंगल यात्रा तय करे। आप तीनों समय निकाल करके स्टूडियो में आए, एक बार पुनः तीनों का धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, वास्तव में जैसे आज पता चला कि आत्मा जो है अजर अमर अविनाशी है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता। लेकिन चूंकि हमारे अपने प्रियजन होते हैं, तो कई बार हमारे बीच से जब कोई निकल जाता है या आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो उनके प्रति हमारा सदैव अटैचमेंट बना रहता है। आज ये सत्य ज्ञान मिला कि अगर कोई हमारे परिवार में से कोई गया है, तो उसके प्रति हमारी एक अच्छी भावना हो, जैसे वो जब जीवित थे तो हमारा प्यार था, ऐसे उनके शरीर छोड़ने के बाद भी उनके प्रति हम अच्छी भावना रखें। जिस घर में जाए, जिस परिवार में जाए, वो सुख के साथ रहें, शांति के साथ रहें, और उसकी यात्रा बहुत सुखद हो। ये जीवन रूपी यात्रा में इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना आवश्यक है। आगे और हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।